हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुकुम्बर का मीठा चटनी। कुकुम्बर का मीठा चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कुकुम्बर। कुकुम्बर को मैंने ऐसे काट कर लिया है। लिया है दो टमाटर। टमाटर को भी मैंने ऐसे काट कर लिया है। लिया है ग्रेट किया हुआ कोकोनट। लिया है चीनी। लिया है हाफ कप। अभी मैं कुकुम्बर का चटनी बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई लगा लूँगी। मैंने गैस पर कढ़ाई लगा लिया है। यह कढ़ाई गर्म होने के बाद में तेल ऐड करूँगी। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी मैं ये कढ़ाई पर तेल ऐड करूँगी। मैंने एक टीस्पून जैसा तेल ऐड किया है। यह तेल गर्म होने के बाद में यह कढ़ाई पर सूखी मिर्च ऐड करूँगी। मेरा तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं सूखी मिर्च ऐड करूँगी। मैंने 3 सूखी मिर्च ऐड किया है। यह सूखी मिर्च फ्राई होने के बाद मैं सरसों का दाना ऐड करूँगी। देखिए, यह सूखी मिर्च फ्राई हो चुका है। अभी मैं सरसों का दाना ऐड करूँगी। यह सरसों का दाना भी फ्राई हो चुका है मेरा। अभी मैं कुकुम्बर ऐड करूँगी कढ़ाई पर। मैं ये कुकुम्बर और टमाटर एक साथ ऐड कर लूँगी। अभी मैं एक साथ भून लूँगी कुकुम्बर, टमाटर, सूखी मिर्च, सरसों का दाना को। अच्छे से मैं भून लूँगी। मैं 2 मिनट तक ऐसे ही मैं भून लूँगी टमाटर कुकुम्बर एक साथ में। अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक ना टमाटर का कच्चा स्मेल चला जाए तब तक। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर भी गल चुका है। अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी और नमक। मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक स्वाद अनुसार। अभी मैं अच्छे से चला लूँगी। ये हल्दी, नमक, टमाटर और कुकुम्बर के साथ ये बॉयल होने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। कुकुम्बर बॉयल होने के लिए मैंने 1 कप जैसा पानी ऐड किया है। अभी मैं ढककर पकाऊंगी 2 मिनट तक। बाद में मैं चीनी और कोकोनट ग्रेट किया हुआ कोकोनट ऐड करूंगी। मैंने ढक्कन लगा लिया है। अभी मैं 2 मिनट तक ढककर पकाऊंगी हाई फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुका है। अभी मैं ये ढक्कन निकाल कर चेक कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कुकुम्बर का कलर भी चेंज हो चुका है और यह कुकुम्बर भी बॉयल हो चुका है। अभी मैं ऐड करूँगी चीनी। अभी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चला लूँगी अच्छे से।
देखिए पूरा चीनी भी गल चुका है। अभी मैं ऐड करूँगी ग्रेट किया हुआ कोकोनट। अभी मैं और भी 2 मिनट तक पकाऊंगी कोकोनट कुकुम्बर टमाटर को एक साथ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर हुआ है। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये चटनी बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। अभी मैं निकाल लूँगी ये चटनी को, गैस को ऑफ कर दूँगी। अभी मैं ये जो चटनी है ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है ये चटनी। ये बच्चे को भी ये चटनी बहुत ही पसंद आता है ये चटनी। आप लोग घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चटनी पूरा निकल लिया है और कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ये चटनी। आप लोग घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई नई पुरानी रेसिपी जानने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।